घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुज़रे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अगली कहानी जिसका शीर्षक है अम्मा। आज तुम साथ नहीं हो अम्मा, मगर तुम्हारे वो ख़त अब भी संदूक की तहों में रखे मुस्कुरा रहे हैं, जिन्हें कभी मैं घर से हज़ार मील दूर रोशनी की तरह जिया करता था। उन ख़तों का एक एक लफ्ज़ पूरी शिद्दत से मुझ में हौसला और ज़िंदगी फूकने में लगा महसूस होता है। आज जब तुम्हारा बदन खुशबू की तरह फिज़ा में बिखर चुका है, वो ख़त चुपचाप इस सच को झुठलाते हैं कि जिन उंगलियों ने ये शब्द कागज़ पर उतारे थे, वो कब के शून्य में खो चुके हैं। बच्चों के शोर से हर वक्त चहकने वाला भरे पूरे घर का दीवाने आम तुम्हारा बड़ा कमरा अब मेरे बेडरूम में बदल कर खामोशी में डूब गया है। उसी के कोने में डाला तुम्हारा बड़ा सा तख्त अब मेरा बिस्तर है, जो मुझे तुम्हारी गोद से आराम देता है। बदन में ठूस ठूस कर भरी ज़माने भर की थकान आज भी तुम्हारी उस गोद में जाते ही दम तोड़ देती है अम्मा। तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कमरे के दरवाजे पर दस्तकें देता है, और तुम्हारा पानदान जिसे शाम के खाने के बाद तुम्हारी बनाई गिलौरियों की तलब में घर के सभी जन घेर कर बैठ जाते थे, वो महज गिलौरियाँ नहीं थीं अम्मा, तिलिस्म था तुम्हारा, जिसने घर भर को बांध रखा था। मजाल है कोई रिश्ता कहीं से उधड़ जाए। समझाइश के धागे से तुम्हारी पैनी नज़र कब उस उधड़न की तुरपाई कर देती थी, किसी को खबर तक नहीं होती थी। मैं तो इसी उधड़बुन में सिर धुनता, कभी ये कह बैठा था, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। कमाल की कारीगर थी तुम अम्मा, मगर अब सब वैसा नहीं रहा अम्मा जैसा तुम चाहती थी। सब कुछ बिखर गया है, अब तो घर में आने और घर से जाने का रास्ता भर एक है। तुम्हारे गढ़े सारे रिश्ते अपने आप से रूठे रूठे लगते हैं, शब्दों और संवादों से बिल्कुल कटे कटे। यूं लगता है जैसे उनकी देह अकेली रखी हुई है, अंदर का सब बल तुम्हारे साथ हो लिया। तीन घरों की धुरी में चुपचाप डोलते हैं सारे रिश्ते। अब पहले की तरह अपनी रसोई से तुअर की दाल में हींग, जीरे, राई के छौंक की खुशबू भर नहीं आती। कोई छत पर पका रहा है तो किसी का खाना बाहर से आ रहा है, कहीं चावल महकते हैं तो किसी रसोई में सब्जी धधकती है। एक छत के नीचे तीन तीन घर बन गए हैं अम्मा, मगर तीन तीन चूल्हों की गर्मी के बावजूद रिश्ते एकदम ठंडे पड़ गए हैं। बोलना बतियाना भी मौके की अलमारी में कहीं रख दिया है सबने। कभी कभार निकाल कर झाड़ पोंछ लेते हैं सो दो चार बातें हो जाती हैं। बैठक का कमरा जिसे बाबूजी बड़ी लगन से सजाए रखते थे, अब उसकी आंखों पर भी झिल्ली के समान धूल चढ़ गई है। तीन घरों में से जब किसी का कोई मेहमान आता है सो उस परिवार के लोग ड्राइंग रूम का स्पंज करने चले आते हैं। हाँ, तुम्हारी पेंशन के एरियर से नंगी सीढ़ियों पर रेलिंग जरूर लग गई है, मगर मकान के पीछे का पलस्तर अब तक अधूरा है। फिक्र तो बहुत हुई, मगर कंट्रीब्यूशन पर एक राय न होने से हर बार बात अटक गई। कौन करे कि घुन तुम्हारे हाथों बने मकान को धीरे धीरे चाट रही है अम्मा। अपने अधिकारों के लिए फिक्रमंद सब अपने दायित्वों से बेफिक्र हैं, अपने में मस्त, एक घर के अंदर अपने अपने घरों में कैद तीन परिवार। कुछ हैं जो अलग होकर खुश हैं, और कुछ हैं जो हमें अलग करके खुश हैं। रात के दो बज चुके हैं अम्मा, लाइट तो कब की जा चुकी, मोमबत्ती भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। जहन में एक शेर दस्तक दे रहा है, घर के बुजुर्ग लोगों की आंखें क्या बुझ गईं, अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा।
तुम्हारा आलोक। सारी चीज़ें बंटवारा हुई तो क्या हुआ, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना इस शेर को खासकर। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम
सबसे छोटा।